अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज और मैं लेके आती हूँ आपके लिए अमेजिंग रेसिपीज़। तो इसी तरह आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी रमज़ान स्पेशल और इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़। ये इतने मज़े के पोटैटो ब्रेड रोल हमारे घर पर बन के तैयार होंगे। सिर्फ टाइम हमें इसके लिए चाहिए 20 से 25 मिनट और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे, पोटैटो फिलिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमने इसे बिल्कुल मैश कर लेना है मैशर की मदद से। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं चॉप किए हुए अनियंस। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह शामिल किए हैं और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला। जितने भी आपके पास स्पाइसेस पड़े हुए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर दीजिए, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इस तरह से जब हम पोटैटो की फिलिंग बनाते हैं ना, तो यकीन करिए ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पोटैटो ब्रेड रोल। तो आपने देखे मैंने सारे सारे इसमें स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दिए। अब हम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा। अगर तो आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाइंड हो जाएंगे। इसके हमने रोल्स बना लेने हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से हमारा प्यारा सा रोल बन गया। तो आपने भी इसी तरह से रोल बना लेना है, बाकी सब भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। तो दूसरी तरफ अब हम मिक्सचर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ग्लू की तरह का ना मिक्सचर रेडी कर लेना है, जो कि जब हम रोल बनाएंगे तो उसमें हमें काम आएगा। तो अब हमने इस तरह से ब्रेड का स्लाइस लिया, जिसके मैंने साइड रिमूव कर दिए थे, उसे आप ज़ाया मत कीजिएगा, उससे आप बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो इस तरह से लगाएंगे ताकि जो हमारा रोल है बिल्कुल परफेक्ट बने। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब आपने इस तरह से रोल करनी हो ना, देखा आपने मेरी ब्रेड कितनी ज़बरदस्त तरीके से रोल हो गई है, तो आप इसकी साइड्स को रिमूव करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम दे दिया करें ब्रेड के स्लाइसेस को, ताकि ना बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाए। वरना जब हम इसी तरह से बनाते हैं ना, चाहे जितनी मर्ज़ी फ्रेश हो, तो वो उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा मेरे कितनी नीट और कितने ज़बरदस्त बने। अब हमने यहाँ पर लिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा हमने मिक्सचर रेडी कर लेना है। तो चलिए अब जो हमने रोल रेडी किए हुए हैं वो इस तरह से पहले इस मिक्सचर में ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसके ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए हुए थे उसमें ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हम रोल रेडी कर लेंगे। ये इतनी ईजी और इतनी मज़े की रेसिपी है कि तकरीबन आपसे 25 से 20 मिनट के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाएगी। तो अच्छी तरह से हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और बाकी सब को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने बाकी सब भी इसी तरह से रेडी कर लिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है हमने इन्हें। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसे ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में आपने ऐड नहीं करने, वरना क्या होगा, ये जो है ना हमारी ब्रेड, ये सारा जो ऑयल है ना वो सोख कर लेगी अपने अंदर। इसी वजह से ऑयल को बिल्कुल गर्म होने दीजिएगा, फिर ऐड करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाता है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज के नाम से। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, रमज़ान की सारी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं, तो मुझे लास्ट मिनट कमेंट में बताया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो देखिए बातों बातों में हमारे कितने ज़बरदस्त से ये जो ब्रेड रोल है वो बन के रेडी हो चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त हैं। इसको मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया, आप भी उसी के साथ सर्व करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ये पहली ब्रेड थी, ब्रेड तो पहले ही क्रिस्पी होती है जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगाए हैं, तो ये डबल मज़े किया। आप भी इसी तरह से बनाएं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितने ज़्यादा मज़े की फीलिंग है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और लाजमी मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।